इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 नंबर 21 डील करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू dx। देखें ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है और जब मैं इम्पॉर्टेंट कहती हूँ तो इट मीन्स कि आपने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सब्स्टिट्यूट मेथड में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लिखा है। तो क्या करते हैं हम, देखें थोड़ा सा गौर से देखें, ये अंडर रूट 2 है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट 2 से न्यूमिरेटर में ये है इसको भी डिवाइड कर देते हैं और जो कुछ आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा है यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको भी हम अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं। तो टेक्निकली क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको बड़ा कर लें, ये हमने खुद लिखा है तो आपका क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, ये न्यूमिरेटर है ये आपस में क्रॉस आउट हो गए तो हमारे पास न्यूमिरेटर में रह गया 1 और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट 2 साइन एक्स को भी डिवाइड करेगा और कॉस एक्स को भी करेगा। मैं इसको एक स्टेप में ऐसे करके लिख सकती हूँ कि अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर 2 कॉस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, क्योंकि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको और न्यूमिरेटर में हमारे पास 1 हो गया है। यहां मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए लिखा कि यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पढ़ा था पहले, क्या था वो, के कॉस ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और इसी तरह साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो देखें यहाँ पे भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है, कॉस के साथ भी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है, तो इस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की जगह मैं साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ करते हैं 1 बाय 2 साइन के साथ मैं लिखूंगी साइन पाई बाय 4, सिर्फ मैंने इसकी जगह लिखा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये साइन ऑफ एक्स ऐसे ही है, ये साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा बन गया, सेम थिंग ये कॉस है, कॉस की जगह मैं लिखूंगी कॉस यहाँ पे पाई बाय 4 इस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की जगह और कॉस ऑफ एक्स जो है आपके पास एज इट इज है राइट। साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 मींस अल्फा माइनस बीटा डीएक्स, ये आपके इसके इक्वल आ गया। अब क्या है, देखें 1 डिवाइडेड बाय कॉस और 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकंड एक्स के इक्वल होता है राइट, तो मैं इसकी जगह सेकंड एक्स लिख सकती हूं, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड एक्स की सेकंड ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 और यहां आप इसका लिख भी सकते हैं कि हमने क्या यूज किया है, क्योंकि जो स्टेप आप करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसे आप ज्यादा सीखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय कॉस राइट, तो ये इक्वल होता है सेकंड के और यहाँ पे हमारे पास x माइनस पाई बाय 4 है तो हमने वो लिख दिया सिंपल। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जो डायरेक्ट है लॉग सेकंड ऑफ x माइनस पाई बाय 4 प्लस 10, इसका ये फॉर्मूला है प्लस 10 एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस सी राइट। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लेंथी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं होगा, आपने अंडर रूट 2 से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर में तो आपके पास 1 आ जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्लू मिल जाएगा कि यहाँ कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज हुए, हमने कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ये वैल्यूज पुट की और ये फॉर्मूला सारा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4,
वन डिवाइडेड बाई कॉस इक्वल होता है सिकेंड के, और आपने लगाया और फिर यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन हो गई, क्योंकि सिकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका होता है लॉग सिकेंड ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, राइट। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप उसे जरूर पूछिए, और बहुत शुक्रिया।